कपूर और रणधीर कपूर को आपने पर्दे पर क्या कभी देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो दौर गुजर चुका है जब रणधीर कपूर और नीतू बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया करते थे राज। जी हाँ, सालों पहले की ये बात है जब नीतू का नाम कपूर परिवार से जुड़ा भी नहीं था। तब से ही नीतू कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रही थी राज। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े होने के बाद कदम जरूर रखा। बॉबी फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन वही ऋषि कपूर का बॉलीवुड में आने से पहले ही उनकी पत्नी नीतू का बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफर शुरू हो चुका था। नीतू कपूर ने बतौर चाइल्डहुड एक्ट्रेस कई बड़ी फिल्मों में काम किया। डबल रोल तक उन्होंने प्ले किया था और उनकी फिल्म में गंगा और जमुना के ट्विंस वाले किरदार की काफी चर्चा रही। गौर हो कि आज भी खास तौर पर चिल्ड्रंस डे के मौके पर जो सॉन्ग सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करते हैं, उनमें बच्चे मन के सच्चे ट्रैक को लोग नहीं भूल पाते, जिसे नीतू कपूर के लिए फिल्माया गया। 10 लाख दो दुनी चार बारिश जैसी फिल्मों के लिए चर्चा बटोरने वाली नीतू कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब कदम रखा जब उनकी जिंदगी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़नी भी नहीं थी। जी हाँ, चाइल्डहुड का वो दौर जो नीतू आज भी याद कर इमोशनल हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे, बॉलीवुड में लगभग 30 फिल्म ने ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली नीतू कपूर ने ऋषि के साथ रिश्ता जोड़ने से सालों पहले ही उनके एल्डर ब्रदर रणधीर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ फिल्म रिक्शावाला की। जी हाँ, फिल्म रिक्शावाला में रणधीर और नीतू साथ काम करते नजर आए। दौर बाद आपका काफ़ी अलग ही था जब रणधीर कपूर और नीतू ने काम किया था, ब्लैक एंड वाइट वो समय। आज का दौर अलग है। कपूर परिवार में रणधीर ने अपने दोनों ही भाइयों को खो दिया है, लेकिन कपूर परिवार एकजुट है। नीतू कपूर अपने ब्रदर इन लॉ रणधीर के मुश्किल घड़ी में हमेशा खड़ी रही है। हाँ, ये सच है कि बबीता और रणधीर जब अलग हुए थे तब भी नीतू ने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। संजय कपूर की मॉम की बर्थडे बैश में रणधीर के साथ उनकी सिस्टर इन लॉ नीतू को स्पॉट किया गया था। तब करिश्मा भी अपनी आंट नीतू और फादर रणधीर के साथ दिखाई दी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।